आईपीएल 2022 के मुकाबले हर दिन काफी रोमांचित होते हुए नजर आ रहे हैं। आईपीएल में हर दिन कुछ न कुछ नया हो रहा है। कभी किसी खिलाड़ी की वापसी हो रही है तो कभी कोई खिलाड़ी चोटिल होता हुआ नजर आ रहा है। अब सोमवार को चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स का रोमांचित मुकाबला देखने को मिला है। इस मुकाबले में वो दोनों ही बात होते हुए दिखाई दी जिस पर हमने शुरुआत में ही बात की है। दरअसल चेन्नई सुपर किंग्स बनाम पंजाब के मुकाबले से पहले मोइन अली के चोटिल होने की खबर सामने आई तो वहीं दूसरी ओर पंजाब किंग्स के लिए खेल रहे खिलाड़ी ऋषि धवन के प्लेइंग 11 में शामिल होने की भी खबर सामने आई। आपको बता दें कि ऋषि धवन आईपीएल में करीब 5 साल बाद वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में ऋषि धवन के लिए मुकाबला बहुत ही इम्पोर्टेंट था क्योंकि 5 साल बाद मैदान पर वापसी का शानदार प्रदर्शन देना किसी भी खिलाड़ी के लिए संभव नहीं होता है। घरेलू क्रिकेट में स्टार ऋषि धवन धाकड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और पंजाब किंग्स ने ऋषि धवन को अपनी टीम में 55 लाख रुपए में खरीदा है। अब ऐसे में ऋषि धवन के लिए बेहद अहम हो जाता है कि वह अगर उन पर मयंक अग्रवाल ने भरोसा जताया है तो अपने शानदार प्रदर्शन देकर जरूर दिखाएं। आपको बता दें कि इतना ही नहीं ऋषि धवन विजय हजारे ट्रॉफी के सीजन में कमाल का खेल भी दिखा चुके हैं। धवन ने 8 मैचों में 498 रन और 17 विकेट लिए हैं। ऋषि धवन ने 2016 में अपने भारतीय टीम के लिए भी डेब्यू किया था और धवन ने 2016 में ही अपने डेब्यू में 3 वनडे मैच भी खेले हैं। धवन को आईपीएल में ज्यादा मैच खेलने का मौका नहीं मिला है और सिर्फ 26 आईपीएल मैचों में उन्होंने 18 विकेट चटकाकर 153 रन भी बनाए हैं। तो चलिए, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए।